भगवान श्री कृष्ण को लोग अलग अलग रूप में पूजते हैं। कोई उनकी उपासना मुरली मनोहर के नाम से करता है तो कोई उन्हें लड्डू गोपाल के रूप में पूजता है। आजकल अधिकतर घरों में लड्डू गोपाल की सेवा की जाती है। उनका ख्याल एकदम बच्चे की तरह से ही रखा जाता है। घर का कोई भी सदस्य लड्डू गोपाल की पूजा कर सकता है, लेकिन अगर कोई महिला गोपाल जी की पूजा करती है तो उन्हें कुछ खास बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। महीने के कुछ दिन ऐसे भी आते हैं जब महिलाएं भगवान की उपासना नहीं कर सकती हैं, तो आज हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि महिलाएं कैसे मासिक धर्म में लड्डू गोपाल की पूजा करें। अगर आपके जन्माष्टमी के दिन भी मासिक धर्म आ जाता है तो ऐसे में क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं इसके बारे में। हेलो दोस्तों, आप सभी का द डिवाइन सोल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक तत्काल ही पहुंच सके। दोस्तों, अगर किसी भी महिला को जन्माष्टमी के दिन मासिक धर्म की पीड़ा रहती है तो उस दिन आप सुबह स्नान आदि के बाद मन में ही व्रत का संकल्प ले लें। हालांकि आप पूजा में शामिल नहीं हो सकती हैं, लेकिन आप चाहें तो भगवान के मंत्र का जाप और आरती दूर से ही मन आप कर सकती हैं। जन्माष्टमी के दिन मासिक धर्म से पीड़ित महिलाएं भगवान का श्रृंगार नहीं कर पाती हैं तो उस दिन आप मन में भगवान कृष्ण को कुछ उपहार भेंट करने का संकल्प मन ही मन ले लें और मासिक धर्म की समाप्ति के बाद वो चीज़ उन्हें आप भेंट करें। अगर आपने लड्डू गोपाल की सेवा ली हुई है तो आप मासिक धर्म के दौरान इन बातों का जरूर ख्याल रखें कि आपको भगवान को स्पर्श नहीं करना है। सेवा के दौरान लड्डू गोपाल को रोजाना स्नान और चार समय का भोग लगाना होता है, तो ऐसे में आप किसी दूसरे से प्रसाद बनवाकर उन्हें भोग लगवा सकती हैं। इस दौरान अपनी रसोई का खाना ना खिलाएं। आप चाहें तो उन्हें बाहर से भी बिस्किट या ब्रेड लाकर खिला सकते हैं या कोई भी अन्य ऐसे पैकेट की फूड आप दे सकते हैं जो साफ और सुथरी हो। कान्हा जी की सेवा लेने के बाद उन्हें अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। इसके लिए आप मासिक धर्म के दौरान कहीं बाहर जाने का प्लान यदि बना रहे हों तो आप कान्हा जी की सेवा किसी भरोसेमंद इंसान को सौंप कर जाएं, जो उनकी दोनों टाइम की पूजा और उन्हें चार समय का भोग अवश्य लगाए। दोस्तों, इन छोटे छोटे उपायों को करके आप लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं और वो भी पूरे नियम से। मुझे उम्मीद है दोस्तों आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत ही अधिक पसंद आई होगी और आप सभी के बहुत ही काम आने वाली है। ऐसी और भी ढेरों जानकारी के लिए आप लगातार हमारे चैनल पर बने रहें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी और अद्भुत जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार दोस्तों, हैप्पी जन्माष्टमी दोस्तों।